Hello friends, after understanding the basic logics why we require process synchronization and what is a critical section and what is race condition, now let's try to understand critical section problem in little depth. So now you understand, as I told you, if there is any process and you assume that there are number of instructions which are involved. Now out of those instructions, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे प्रोसेस प्राइवेट रिसोर्स एक्सेस करेगा, मीन्स ये रिसोर्स सिर्फ इसी के हैं और यही एक्सेस कर सकता है. तो आप किस टाइम पे एक्सेस करते हो और किस ऑर्डर में एक्सेस करते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू एनी अदर प्रोसेस. बट व्हेन यू एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्स, नाउ इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट, इट मे और मे नॉट इफेक्ट, बट इट मे इफेक्ट सम अदर प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, लाइक व्हेन यू एक्सेस अ प्राइवेट रिसोर्स इन रियल लाइफ, तो सपोज करो आप अपना टीवी कब ऑन करते हो, कब ऑफ करते हो, अपने घर में क्या करते हो, इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बट यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज, यू एक्सेस बस, यू एक्सेस ट्रेन्स, देन देयर मस्ट बी अ प्रॉपर ऑर्डरिंग रिक्वायर्ड. अदर अगर आप ऐसा नहीं करोगे, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जब कोई प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्सेज एक्सेस करेगा, तो एज आई टोल्ड यू, दिस रिसोर्सेज आर शेयर्ड, बट दे कैन नॉट बी ऑपरेट इन शेयरेबल मोड. इट मीन्स व्हाट, रिसोर्स मस्ट बी यूज इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन, अदरवाइज इट मे लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था. तो नाउ यू अंडरस्टैंड, आई विल कॉल दिस पार्ट ऑफ सेगमेंट इज नॉट क्रिटिकल सेक्शन. नाउ व्हाट इज क्रिटिकलिटी अबाउट इट, तो बिकॉज आई एम एक्सेसिंग शेयर्ड रिसोर्स, तो मेरे को एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए काम करने के लिए. सो व्हेन आई वर्क इन दिस सेक्शन, आई से द लॉजिक इज व्हाट क्रिटिकल. तो अगेन, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज अ क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन इज दैट पार्ट ऑफ अ कोड वेयर अ प्रोसेस एक्सेस शेयरेबल रिसोर्सेज. नाउ यू अंडरस्टैंड, If I want that even if a process try to access critical section, it should not lead to any problem, then there are some important criteria which should be taken care of. So now what I'll say, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. प्रॉब्लम क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन को किस तरीके से एक्सेस किया जाए कि इससे कोई भी इनकंसिस्टेंसी या कोई डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम हमारे पास ना आए. तो विल से By standard there are three criteria. Now you understand this very importantly. एक बात आप समझना, अभी मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ. तो क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पीटरसन एल्गोरिथम, व्हाट आर सीमा फोर्स, व्हाट आर हार्डवेयर सॉल्यूशन, देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल. बट वो जो भी सॉल्यूशन होंगे, वेयर देयर आर थ्री क्राइटेरियाज, तो हम बोलते हैं यू मस्ट सेटिस्फाई दीज थ्री क्राइटेरियाज. अगर ये तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो मैं आपके सॉल्यूशन को वैलिड नहीं मानूंगा. मींस आप खुद भी कोई सॉल्यूशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं टू सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, बट एनी सॉल्यूशन विल बी जज on basis whether they satisfy these three criteria or not. So now concentrate on these three criteria. Importantly, first one is very important, mutual exclusion. Very good. First one is mutual exclusion. So as we already understood what is mutual exclusion, it says whatever solution you give to solve critical section problem, लेकिन critical section को एक बार में एक ही process access करेगा. It means what? Critical section must be accessed in mutual exclusive fashion. Now that's quite easy to understand. One more thing you understand, criteria को भी मैं दो types से divide करूँगा. One is called mandatory criteria, one is called optional criteria. तो Now this mutual exclusion is a mandatory criteria. मतलब ऐसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा तो चलेगा, सब mandatory है. तो इसका मतलब mutual exclusion तो हर बार होना ही चाहिए. एक और बात समझेंगे, next word I'll say is progress. Now progress is a little, you know, complex to understand. बहुत लोग confused होते हैं what actually progress is. तो you see, हम बोल रहे हैं, let me take an example. Suppose there are three processes, P1, P2 and P3. And पहला criterion already satisfy कर चुके हैं, means we will access the critical section in a mutual exclusive fashion. That's fine. But can I go in a round robin fashion? You see, CPU scheduling में already समझते हैं what is round robin. तो what I'll do, P1 चार्ज देगा किसको, P2 को, P2 चार्ज देगा P3 को, एंड फिर P3 आई विल गेट वन चार्ज टू व्हाट, P1, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू. तो आई विल वर्क इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन, P1 के बाद P2, P2 के बाद P3, और P3 के बाद दोबारा किसका नंबर आएगा, P1 का. और क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाँ लॉजिकली अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो होगा, बट ये प्रोग्रेस नहीं होगा. रीजन बींग,
वी से यू डोंट गो इन राउंड रॉबिन फैशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हो सकता है P3 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही ना हो, हो सकता है P2 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही ना हो. तो क्या ये सॉल्यूशन जस्टिफाइड है कि जितने प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में या मेन मेमोरी में हमारे पास हैं उन सबके बीच में हम एक राउंड रॉबिन साइकिल लगा दें? नाउ दैट इज नॉट लॉजिकल. तो व्हाट इज अ बेटर सॉल्यूशन? यू सी, होना क्या चाहिए? ओनली दोज प्रोसेस, या वी शुड कंसिडर ओनली दोज प्रोसेस विच एक्चुअली वॉन्ट्स टू एंटर इन टू वॉट क्रिटिकल सेक्शन, एंड दैट वॉज नथिंग बट प्रोग्रेसेस. तो वट प्रोग्रेसेस? ओनली दोज प्रोसेस शुड कम्पीट और शुड बी इन द रेस टू एंटर इन टू क्रिटिकल सेक्शन, दोज हु एक्चुअली वॉन्ट्स टू. मतलब आपको किसी फालतू प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के कंपटीशन में नहीं लेके आना है अगर वो जाना ही ना चाहता हो. तो अगर से वो प्रोसेस कंपीट करेंगे जो एक्चुअली क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस. एंड यू बेटर अंडरस्टैंड दैट इज आल्सो मैंडेटरी क्राइटेरिया. तो अगर आप कोई एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिडिक्ट करोगे जहां पे यू विल से लेट्स ट्राई टू फॉलो अ राउंड रॉबिन और P1 के बाद P2, P2 के बाद P3 और फिर P1 का नंबर आएगा, तो आई विल से दैट सॉल्यूशन विल नॉट होल्ड गुड. एक और अगर बहुत थ्योरेटिकली आप एक बात समझे, वो क्या, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं अगर ऐसा करेंगे भी तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा. आई टेक दिस पॉइंट, बट द एफिशिएंसी विल बी वेरी वेरी पुअर, बिकॉज यू सी, हो सकता है आउट ऑफ 100 प्रोसेस ओनली 2 or 3 प्रोसेस एक्चुअली रिक्वायर टू एंटर गोइंग टू क्रिटिकल सेक्शन. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी ट्रीट प्रोग्रेस ऑल्सो एज वॉट? मैंडेटरी क्राइटेरियाज. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, दोनों हमारे क्या है? मैंडेटरी क्राइटेरियाज. एंड द थर्ड एंड वेरी लॉजिकल क्राइटेरिया इज वॉट? बाउंडेड वेट. Bounded weight, very good. So bounded, what it says as you saw, see, operating system is a resource manager and whenever there is management of something there will be a starvation. So hum kya bolte hain, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसेस एक रिक्वेस्ट करे और बहुत टाइम से वो वेट कर रहा हो टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन और वो ना जा पाए बिकॉज वी आर फॉलोइंग व्हाट? म्यूचुअल एक्सक्लूजन. हाँ, ऐसा हो सकता है. तो व्हाट बाउंडेड वेट सजेस्ट? देयर मस्ट बी मैक्सिमम बाउंड अप टू विच अ प्रोसेस कैन वेट. हाँ, तो हम क्या बोलते हैं कि एक टाइम लिमिट होना चाहिए या एक कोई भी एक यूनिट सिस्टम होना चाहिए जिसके बाद आप गारंटी करो कि उसके बाद तो प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल ही जाएगी. अगर ऐसा होगा तो इट विल बी अ बेटर सिस्टम. तो दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? बाउंडेड वेट. तो बाउंडेड वेट सेज आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट और आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्न्स द प्रोसेस विल बी बाउंड टू एंटर इनटू व्हाट? क्रिटिकल सेक्शन. उसको चांस मिलेगा. बट ये क्राइटेरिया हर बार फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता है. तो इवन सीमाफोर्स, बेसिक versions of semaphores also fails on what? Bounded weight. So what I'll say, it is optional. Now bounded weight, it is nice if you have it. If you don't have it, that is also okay. It's an optional criteria. So moral of the story, again you understand, critical section problem is a problem that when a process access a shared resource, we call it critical section. Aur hum chahte ki system inconsistent state mein na jaye multiple process ke baad bhi. Then we'll say there are 3 criteria which any solution must satisfy. Koi bhi solution aap dete ho in order to solve this problem, we'll say 2 criteria as mandatory, which is what? Mutual exclusion and progress. Mutual exclusion says what? Humne kya samjha hai? Ek bar mein ek. तो अगर क्रिटिकल सेक्शन को यू विल एक्सेस इन 1-to-1 फैशन, यू विल नेवर एंड अप ऑन अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम. दैट इज प्रीटी ऑब्वियस. एंड सेकंड थिंग हमने क्या बोला है? प्रोग्रेस. तो प्रोग्रेस में हम क्या बोल रहे हैं कि ओनली दोज प्रोसेस शुड कंप्लीट जो एक्चुअली क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं. दीज आर ऑल मैंडेटरी. बट द थर्ड वन इज बाउंडेड वेट. इट सेज देयर मस्ट बी अ मैक्सिमम बाउंड अप टू विच अ प्रोसेस कैन वेट और अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स, बट उसके बाद उसको चांस मिलना ही चाहिए. मैं ट्राई जरूर करूंगा इसको फुलफिल करने की, बट हर बार फुलफिल कर पाऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है. Okay, fine. Now, in the next lecture, what will I do? We'll try to take different solutions. हाँ, तो पहले questions भी के किस type के questions आते हैं exam में, तो there will be a solution. और आप समझो, if there are multiple processes, P1, P2, सबको एक साथ solve करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो first we'll try to understand 2 process solutions. तो first we'll try to solve 2 problems with respect to each other, and then we'll check whether they satisfy mutual exclusion, progress or bounded weight. And if we succeed, then I extend this solution to a n process solution, and then in the last you will understand how semaphores come into picture and what the beauty about semaphore, how easy they solve all these problems. Okay, thank you.